चंडीगढ़ भी आए हैं और ये हमारे साथ वृंदावन भी जाएंगे, वहां हम 3 दिन का सेमिनार करने वाले हैं और लुधियाना के भी और भक्त यहाँ चंडीगढ़ आए हैं। आप सब चंडीगढ़ के भक्तों का संघ का आनंद लेने के लिए हमारे रक्षानाथ प्रभु जो वहाँ के लीडर हैं वो आए हुए हैं और बालकृष्ण प्रभु और उनकी वाइफ अंबिका सखी माता जी रक्षानाथ जी के साथ इनकी डॉटर जो बिल्कुल इनकी फोटोकॉपी है वो भी पुष्टि, सबका स्वागत। तो अब तक ये ट्रांसलेशन ये मीनिंग सबने पढ़ लिया होगा और जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए होमवर्क है, घर से पढ़ के आओ। तो ये गोप कुमार की कथा, एक्चुअली उसको स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को कोई प्रश्न है तो जो अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में बताया उसके बारे में अगर किसी को कोई प्रश्न है तो अभी ले लें और फिर गोप कुमार की कथा बताएं। आज हमें मैसेज अभी आया है कि ये प्रवचन 2:30 तक चलने वाला, किसी को कोई प्रश्न है अभी तक जो बताया उसके बारे में? श्री ब्रहद भागवत अमृता पार्ट 1, भक्ति, डिफरेंट प्रकार की भक्ति, डिफरेंट पर्सनालिटीज जो भक्त हैं उनके डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट ग्रेड्स और हाईएस्ट काइंड ऑफ भक्त, सर्वोच्च भक्त। एक प्रश्न बार बार आ रहा है मेरे पास, जब भी कोई मुझे मिल जाता है या मैं किसी को मिल जाता हूँ यहाँ पे, कि प्रभु जी आप हैं कौन? मुझे पता नहीं मेरा क्या इंट्रोडक्शन है, क्योंकि एक भक्त बनने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और आप सब लोगों के आशीर्वाद से शायद एक दिन वैष्णव भक्त बन भी जाऊँ। और यहाँ पे लगातार 5 लेक्चर्स की सीरीज मुझे देने के लिए कहा गया, तो उससे मेरा आइडिया ये लगा कि मुझे प्रैक्टिस कराई जा रही है कि अगर 5 लेक्चर की सीरीज इसको एक साथ में कराएंगे तो शायद कुछ सीख जाएगा लेक्चर देना भी, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखने की। और
एक दिन मैं भी सोच रहा हूँ इस्कॉन ज्वाइन कर लूँ। मेरे पिताजी ने 1979 में इस्कॉन ज्वाइन किया था। मैं उस समय एक छोटा बच्चा था। ये जैसे यहाँ पीछे छोटे छोटे बच्चे बड़े जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं, मैं इतना स्मार्ट नहीं था, ये सब मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है। और तब से करीब 35 ईयर्स से मैं भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ। चंडीगढ़ से भी मेरा कुछ कनेक्शन और तरह से भी है। यहाँ पे कुछ लोग शक्ति माता को जानते होंगे। कितने लोग यहाँ शक्ति माता को जानते हैं? बहुत सीनियर डिवोटी खाली। और आदि यज्ञ प्रभु को और थोड़े ज़्यादा, और पांडव फैमिली मतलब हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य जो चार भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और सहदेव, वो सब मेरे अंकल हैं। और शक्ति माता मेरी दादी हैं। ये सब मेरी भाभी से रिलेशन है, मेरी भाभी की दादी हैं। तो यहाँ से जाके उन्होंने कैलगरी में एक और राधा माधव मंदिर की स्थापना की है। वो वहाँ भी मुझे प्रैक्टिस करने के लिए बुलाते हैं कि यहाँ आया करो। पहले मैं साल में एक बार जाता था, अब कहते हैं साल में दो बार कम से कम आओ। तो मैं वहाँ भी कथा कराने के लिए जाता हूँ। मेरे पिताजी प्रचारक थे, पहले वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, फिर वो इस्कॉन में प्रचारक थे। दिल्ली का मंदिर आप लोगों ने देखा होगा, राधा पाठशाला मंदिर, वो उस समय नहीं था। एक छोटे से मकान में हमारा वो सेम राधा पार सारथी हमारे एक छोटे से घर में स्थापित थे, जहाँ पर हमने ज्वाइन किया। और जब ये मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू होने वाला था, तो उस समय उसका बजट 5 करोड़ रुपए था। और जब हमारे गुरु महाराज, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बड़े भाई, मेरी भाभी, मेरे लड़के, मेरी पत्नी और मेरी बहू, हम सब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य। तो 1989 में गुरु महाराज ने एक सभा बुलाई के सब टीचर लोग, जो 10-12 टीम्स थी, सब आके कमिट करो कि 5 करोड़ रुपए कैसे कलेक्ट होगा, कौन कौन कितना कितना कमिटमेंट कर सकता है। तो मेरे पिताजी ने हाथ उठा के कहा कि जैसे कि आपको अगले 5 साल में 5 करोड़ चाहिए, उसमें से 2 करोड़ मैं अकेला भगवान की सेवा में। अरे 1989 में उन्होंने ये प्रण लिया था। और 1994 में एग्जैक्टली 5 साल के बाद उन्होंने अपना प्रण तो पूरा किया, लेकिन अपना प्रण पूरा करने के बाद उन्होंने एक रात से दूसरा दिन नहीं देखा, उसी रात अपना शरीर त्याग दिया। गुरु महाराज ने मुझे 1984 में दीक्षा दी थी, वृंदावन का मैनेजर बनाया था। उसके बाद मुझे वापस यूनिवर्सिटी भेज दिया गया, उसके बाद कनाडा भेज दिया गया। तो 26 साल से मैं वहीं रहता था। फिर मुझे गृहस्थ में जाने की आज्ञा मिली। और जब मेरे बच्चे बड़े हो गए 14-15 साल के, तो गुरु महाराज ने वापस मुझे इस्कॉन के मैनेजमेंट में डाला और मुझे डेप्यूटी जीबीसी में मेरा नाम प्रपोज किया।
तब से 5-6 साल से मुझे वो डिप्टी जीबीसी मीटिंग्स के लिए हर साल भारत आना पड़ता है। उसके बाद गुरु महाराज ने मुझे एसपीटी जो हमारी स्ट्रेटजिक प्लानिंग टीम है उसमें भी मेरा नाम प्रपोज किया, उसकी वजह से अब मुझे 2 बार साल में भारत आना पड़ता है। तो मैं लगभग 5 महीने कम से कम भारत में बिताता हूँ हर साल। पिछली बार मैं पहली बार चंडीगढ़ मंदिर आया, वास्तव में जीवन में पहली बार ही चंडीगढ़ आया संडे फीस्ट की क्लास के लिए। हमने राधा तत्व कथा हमारे रक्षा नाथ प्रभु के नेतृत्व में 5 दिन के लिए लुधियाना में की थी और नंद महाराज ने 100 भागवतम क्लास के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। तब से उनकी इच्छा थी कि मैं दोबारा से यहाँ आऊँ, कोई सेमिनार करूँ, और नंद महाराज प्रभु यहाँ नहीं है लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी डेट्स और स्केड्यूल सब कुछ फिक्स था तो मैं यहाँ आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। हरी बोल। और कोई परिचय किसी को जानना है तो अभी पूछ लें, मैं तो फिर आऊँ। मेरी कथा खत्म करके वो कुमार की कथा शुरू करें। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। तो ये गोप कुमार वृंदावन में जन्मे ब्रजवासी और दूसरे ग्वाल वालों के साथ में गैया चराने के लिए जाया करते। तो जब वो गैया चराने के लिए जाते थे तो रास्ते में उनको एक साधु महात्मा के कभी कभी दर्शन होते जो बिल्कुल भक्ति के एक तरह से नशे में मग्न रहे। एक बार गोप कुमार को अकेले में ये साधु मिल गए और गोप कुमार ने उनसे जानना चाहा भक्ति के बारे में, जीवन के बारे में, जीवन के लक्ष्य के बारे में। वो साधु महात्मा ने सब कुछ बताया उनको और उनको हरि नाम की दीक्षा दे दी। ये दीक्षा देते हुए ये छोटे से गोप कुमार हैं और वो उनके गुरु। गोप कुमार को मंत्र मिल गया और वो अपने मंत्र का जप करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुरू में उनका मन जप में इतना नहीं लगता था लेकिन बार बार उनके गुरु आके उनको रिमाइंड कराते तो धीरे धीरे जप करते करते उनका मन जप में लगने लगा। जैसे जैसे उनका मन जप में लगने लगा वैसे